ओम शांति। देखो बच्चे, यह पढ़ाई ही स्व परिवर्तन की है। यह जो मन है ना, यही बस आपका है और सब तो पराया है। और मन का प्रभाव ही इन सब चीज़ों पर पड़ेगा। और बाबा ने देखा है कि पहले से सब कुछ परिवर्तन हुआ है और आप स्व की चेकिंग स्व कर सकते हो। इस दुनिया में भी कोई भी बड़ी सीट अर्थात कोई भी बड़े पद के लिए बड़ा इम्तिहान पास करना पड़ता है और लास्ट पेपर सबसे डिफ़िकल्ट होता है। परंतु एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए अर्थात जिसने अपना समय अपनी पढ़ाई में लगाया है, वह ईजिली फाइनल पेपर में भी पास हो जाता है। इसी तरह जो बच्चा अभी बाप की श्रीमद् प्रमाण चल रहा है, वो अवश्य ही बहुत जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वो भी बहुत सहज रीति। बस बच्चे, आप अपनी चेकिंग करते रहो कि आपका मन कितना हल्का और खुश रहता है। जितनी जल्दी आप किसी भी बड़ी से बड़ी बात को बिंदी लगा देते हो और जब आप सदा हल्के और खुश रहते हो, तो आप समझना कि बस अब एक ही कदम तो रह गया है। और देखो, पेपर तो अंत तक आएंगे। प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार भिन्न भिन्न रूप से अर्थात नए नए रूप से आपका पेपर ले अर्थात आपको संपन्न बनाने आएंगे। जब आप विजयी बन जाओगे तो आप बच्चों के आगे यह समर्पण हो जाएंगे और यह ही तत्व और विकार पॉजिटिव रूप से आपके सहयोगी बनेंगे। बस अभी आप स्व पर अटेंशन रखो। देखो बच्चे, आप कर्म क्षेत्र पर हो तो आप बच्चों को कर्म तो करना ही है अर्थात कर्म में मन बुद्धि को लगाना ही पड़ता है। परंतु आप चेकिंग रखो कि कहीं भी आपको कोई खिंचावट तो नहीं है। सब कुछ करते हल्के रहते हो क्या? अभी तक आप पुरुषार्थ कर बाप को अपने संग रख रहे थे, परंतु अब आपकी नेचुरल नेचर बनती जा रही है बाप को संग रखने की। और यदि आप हल्के और खुश रहते हो तो आप बाप के संग भी हो और बाप समान भी। अच्छा, ओम शांति।